तो रायपुर में बीजेपी की बैठक जारी है। बैठक से पहले पूर्व गृह मंत्री और रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी ननकी राम कंवर ने कहा कि बीजेपी का मिशन 65 प्लस का सपना जरूर पूरा होगा। ननकी राम कंवर से बात की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। मिशन 65 भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कुछ स्थिति जो है मिशन 65 की ओर लक्ष्य जाता दिखाई नहीं दे रहा, क्या कहना है, कितना पा जाएगी भाई? मैं स्पष्ट पहले भी कह चुका हूँ, अगर 65 प्लस को जो नीति रीति है, चुनाव लड़ने की नीति या रीति कह सकते हैं, उसको अडॉप्ट किए हैं सभी ने, तब निश्चित रूप से 65 से ऊपर आएगा। तो क्या लग रहा है, बूथ मैनेजमेंट पन्ना प्रमुख ठीक से काम किए पूरे प्रदेश में? नहीं नहीं, मैं यही तो बता रहा हूँ, पूरा प्रदेश के बारे में मुझको मालूम नहीं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैं समझता हूँ कि हमने शुरुआत किया है, ये पहली बार, पहले 4-5 लोग काम करते थे, अब कम से कम 15 और 20 लोग शुरू से आखिरी तक वोटिंग तक काम करने की कोशिश किए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भीतर अगर आपके सीट की बात करें तो क्या लगता है? ये तो मानवीय स्वभाव है, देखिए गलत करना ही इंसान का काम है, सही करना भी इंसान का काम है, तो ये इसको तो आप कुछ रोक नहीं सकते। पिछला चुनाव चूक गए थे आप, भीतरघाती उसकी एक वजह थी, क्या इस बार वही भीतरघाती को पूरा शांत कर दिए आप लोगों, क्या लगता है? नहीं, भीतरघाती मैं नहीं कह सकता इसको, भीतरघाती तो था ही नहीं पिछले समय। क्या लग रहा है कि जो आपका जो लक्ष्य है 2022 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे उसकी ओर बढ़ रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 15 साल में नक्सलियों का मनोबल बहुत गिरा है, और उसके बाद मेरे ख्याल से 3-4 जिला तो पिछले समय ही मतलब पिछले सत्र में ही खत्म हो गया था, तो नक्सली तो बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है। क्या लग रहा है, योगी जी ने दावा किया है कि हमारे बगैर कोई दोनों कांग्रेस ना सरकार बना पाएगी ना भाजपा बना पाएगी, क्या लग रहा है, क्या कहना है उसके बारे में, क्या कहना है? अब मैं योगी जी जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं क्या कहूँगा, योगी जी ईवीएम को लेकर बहुत वो हो रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं हैक कर दिया गया, कुछ लोग कुछ तो नाटक करना पड़ेगा ना अपनी बात को मनाने के लिए रखने के लिए, कुछ नाटक, ये नाटक है कुछ नहीं। जिस तरह से प्लानिंग की गई थी मिशन 65 को लेकर, अगर सभी विधानसभा क्षेत्रों में वो प्लानिंग अमल हुई होगी तो निश्चित रूप से मिशन 65 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर लेगी। कैमरामैन रमा शंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।